जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकेरनाग में 13 सितंबर को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के कर्नल मेजर समेत 4 अफसर शहीद हो गए। अनंतनाग में हुए भीषण टेरर अटैक की एक एक कड़ी जुड़ती जा रही है, एक एक सच सामने आता जा रहा है। आखिर ये हमला क्यों कराया गया, इस हमले की प्लानिंग कैसे हुई, इस हमले के पीछे कौन कौन है। हमले के तार पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और तुर्की की राजधानी इस्तांबुल से कैसे जुड़ रहे हैं। ये वो जुमे का दिन था जब लोग रावलकोट की अल कुदस मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए आ जा रहे थे। इन्हीं नमाजियों में से एक था रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम, लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर, जो कि उस दिन मस्जिद के इमाम के पास ही ठहरा हुआ था। जैसे ही रियाज अहमद नमाज पढ़ने पहुंचा, वो सजदे के लिए झुका ही था, नमाजी बनकर आए कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। मोस्ट वांटेड आतंकी रियाज वहीं ढेर हो गया। बाद में मीरपुर जिले में उसका जनाजा निकला। 8 सितंबर को लश्कर के टॉप कमांडर रियाज अहमद को किसने मारा, ये किसी को नहीं पता, लेकिन रियाज की हत्या के बाद एक खतरनाक साजिश बुनी गई, जिसका अंजाम उसके 4 दिन बाद अनंतनाग के हमले में सामने आया। अनंतनाग जिले के कोकेरनाग की ऊंचाई वाले इलाके में हुआ वो भयानक आतंकी हमला, जिसमें भारतीय सेना के मेजर आशीष धोनचक, सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हिमायूं भट्ट शहीद हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर के ही पाले पोसे आतंकी संगठन TRF यानी द रेजिडेंट्स फ्रंट ने ली है। अब सवाल ये है कि लश्कर कमांडर रियाज अहमद की हत्या का अनंतनाग के आतंकी हमले से क्या कनेक्शन है। क्या लश्कर ए तैयबा ने रियाज की हत्या का बदला लेने के नाम पर यह आतंकी हमला करवाया। दरअसल अनंतनाग हमले से 4 दिन पहले लश्कर आतंकी रियाज अहमद मारा तो गया था POK में, लेकिन उसकी खलबली पाकिस्तान में मची। पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी और ISI के हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में उस दिन बड़ी हलचल मची थी। हाफिज सईद के हेडक्वार्टर मुरीदके में तो मातम सा छा गया था। पाकिस्तानी फौज काफी दिन से जम्मू कश्मीर में किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश बुन रही थी। पाकिस्तानी आर्मी पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से हुए 3 बड़े घातक हमलों से ध्यान हटाने के लिए भी उसने ये साजिश रची थी। पाकिस्तानी फौज POK से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की साजिश पर फाइनल मोहर लगाने वाली थी कि रावलकोट में लश्कर के टॉप कमांडर रियाज अहमद की हत्या ने उसको एक मौका दे दिया। आतंकी रियाज अहमद की हत्या को पाकिस्तानी फौज और ISI ने भारतीय एजेंसियों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आतंकी रियाज अहमद जम्मू कश्मीर के राजौरी में 1 जनवरी को हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। उस हमले में राजौरी के ढांगरी गांव के 5 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। तभी से भारतीय एजेंसियों को रियाज अहमद की सरगर्मी से तलाश थी, लेकिन वो पिछले हफ्ते ही 8 सितंबर को POK की मस्जिद में मारा गया। आतंकी संगठन TRF ने अनंतनाग हमले को रियाज की हत्या का बदला बताया। TRF यानी द रेजिडेंट्स फ्रंट लश्कर ए तैयबा की एक ब्रांच है जो कि जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। TRF को लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को कवर देने के लिए इसलिए बनाया गया ताकि भारत में होने वाले आतंकी हमलों में सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम ना आए। अब जरा अनंतनाग में हुए आतंकी हमले की टाइमिंग पर गौर करिए। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जबकि पाकिस्तान की आर्मी के चीफ आसिफ मुनीर तुर्की पहुंचे हुए थे। जैसे ही जनरल आसिफ मुनीर ने तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में कदम रखा, उनकी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से मुलाकात हुई। इधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पाकिस्तानी फौज के इशारे पर लश्कर आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले के बाद लश्कर के प्रॉक्सी आतंकी ग्रुप TRF ने हमले की जिम्मेदारी लेने में देर नहीं की। पाकिस्तान लगातार इस तरह की साजिशें भारत के लिए करता रहा है। पाकिस्तान को आखिर किस तरह का जवाब देना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल टाइम्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।